हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और डाटा टाइप्स पढ़े थे पाइथन के लिए, आज हम उसको उसकी कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं और ये भी दिखाते हैं कि पाइथन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इनबिल्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए अगर कुछ स्टेटमेंट हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दें, तो सपोज कीजिए हमने ये लिखा कि से यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में मान लीजिए ये है हमारा प्रोग्राम या प्रोग्राम का स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम इसका लिखते हैं आउटपुट, ठीक। अब इसमें मान लीजिए हमने प्रो स्टेटमेंट दिया प्रिंट 5 + 3/4 - 2, हमने स्टेटमेंट दिया प्रिंट 5 + 3/4 - 2। तो जब इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 3.75, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस तरह स्टेटमेंट देते हैं, आपने लिखा प्रिंट, फिर आपने लिखा 3.1 इंटू 3.2, और फिर आपने डबल एस्टरिस्क का साइन लगाया और फिर आपने लिखा 3.3। अब इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली होगी, मान लीजिए हम इसको चलिए इस तरह लिखते हैं। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये कमेंट लाइन लिख रहे हैं हम, इसलिए हम हैश लगा दे रहे हैं। यहाँ पे जो डबल एस्टरिस्क है ये क्या है, इज एन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इज एन एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है। ये तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, इसलिए देखिए हमने कब हैश लगा के कमेंट लाइन में आपको लिखा हुआ है। फिर एक चीज और, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये देखिए, दैट इज वेरी सिमिलर टू, इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है दैट इज सिमिलर टू फोरट्रॉन। फोरट्रॉन में भी एक्सपोनेंशियल को ऐसे ही शो करते हैं, फोरट्रॉन, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपका 143.9980998058748 58647 58647, ये आपको आउटपुट मिलेगा जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए स्टेटमेंट हम लेते हैं, सपोज कीजिए हमने दिया प्रिंट डबल कोट्स लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 इज लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 इज कोट्स क्लोज्ड कॉमा, यहाँ हमने दे दिया। कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 में हम इसको 10 से रिमाइंडर ऑपरेटर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा और वही हमको चाहिए। तो अगर इसको हम इस तरह देंगे तो यहाँ हमें आउटपुट मिल जाएगा लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 इज, और ये कैलकुलेट होके यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है स्टेटमेंट देंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, पाइथन में एक खास चीज़ ये है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि पाइथन हैज इनबिल्ट सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पाइथन में इनबिल्ट सपोर्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। अब इसका जो सिंटेक्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो किस तरह होता है, वो देखिए इस तरह होता है। मान लीजिए हमने कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ दिया प्रोग्राम
और यहां हमने लिखा आउटपुट, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए पहले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हमने लिखा x इक्वल टू 1 प्लस 2j, ठीक है। क्या हो रहा है ये भी हम कमेंट लाइन में आपको लिख के बताते हैं। सेकंड लाइन में हमने दिया y इक्वल टू, यहाँ हमने लिख दिया कीवर्ड लिखा कॉम्प्लेक्स 1, -2। अब इन दोनों स्टेटमेंट से क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हुआ क्रिएट और ये भी हुआ क्रिएट, ठीक। अब आगे चलिए नेक्स्ट इस पे थर्ड स्टेप पे। मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया प्रोग्राम और ये हमने लिख दिया आउटपुट। तो 1, 2 के बाद थर्ड स्टेप में हमने यहाँ क्या लिखा, थर्ड स्टेप में हमने इसको थर्ड स्टेप ब्लैंक छोड़ दिया। फोर्थ में हमने लिखा जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई, जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक। यानी ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक स्टेटमेंट। सो दिस इज अर्थमेटिक। जितना ये ग्रीन से और हैश लगा के हम लिख रहे हैं, समझ लीजिए कमेंट लाइन है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ स्टेटमेंट में जब हम लिखेंगे, तो फिफ्थ स्टेटमेंट जब हम यह कहेंगे प्रिंट जेड, प्रिंट जेड, तो अब एक्स माइनस वाई कैलकुलेट होके जब जेड प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा 4j। आप देख लीजिए 1 प्लस 2j माइनस 1 माइनस 2j कीजिए तो 4j आएगा, ठीक। उसके बाद मान लीजिए सिक्स स्टेटमेंट में हमने कुछ नहीं दिया, फिर सेवेंथ स्टेटमेंट में आ गए, यहाँ हमने दी लिखा जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो फिर से ये क्या हुआ, फिर से ये अर्थमेटिक स्टेटमेंट हुआ। तो हमने लिखा अर्थमेटिक, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, तो हमने लिखा प्रिंट जेड, प्रिंट जेड। तो जेड को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5 प्लस 0j, ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम इस तरह देते हैं कि प्रिंट जेड डॉट रियल, हमने लिखा प्रिंट जेड डॉट रियल कॉमा जेड डॉट इमेजिनरी कॉमा जे, अगर इस तरह हम देंगे इसका सिंटैक्स, तो हमें आउटपुट मिलेगा 5.0 प्लस 0.0j। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसको जब आप देखेंगे तो लाइन नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया है, तो लाइन नंबर 1 और 2 में तो दो तरीके बताए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने के। यहाँ पे आप आ जाइए पिछले पेज पे, ये जो लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 है, ये आपको दो तरीके बताए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वी कैन ऑल्सो रीड ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज यूजर इनपुट। फिर लाइन नंबर 4 और 7 में देखिए क्या है, तो लाइन नंबर 4 और 7 में हमने अर्थमेटिक इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक्स माइनस वाई और एक्स एक्स इंटू वाई, ठीक। फिर फाइनली लाइन नंबर 9 में हमने ये शो किया है, ये देखिए कैसे हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग शो कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये एडवांटेज है कि पाइथन में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट भी और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। स्ट्रिंग हम लोग अब जो है नेक्स्ट उसमें शुरू करते हैं, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके, और पिछले जो भी आपने पाइथन अभी तक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जो है कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।